मिशन कश्मीर में और द कश्मीर फाइल दोनों वी क्लास की फिल्म है। एक का डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा था, दूसरे का डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है, इसलिए फिल्म वी फॉर वेरी गुड है। विक्ट्री की फिल्म है, जीत की फिल्म, इंसानियत की जीत। और ये फिल्म मार्च में रिलीज इसलिए की क्योंकि ये भी एक मिशन कश्मीर ही है, द कश्मीर फाइल, क्योंकि मिशन मतलब टारगेट, और हिंदुस्तान का नहीं, कश्मीर का ही नहीं पूरी दुनिया पर, हिंदुस्तान का टारगेट मार्च में ही पूरा होता है, खासकर मार्च एंडिंग में। तो कश्मीर फाइल की हैप्पी एंडिंग जो है उसका टारगेट मार्च महीना, इसलिए कहते हैं टारगेट मतलब मिशन कश्मीर। एक्शन। ये मिशन कश्मीर और मिशन द कश्मीर फाइल, इसमें दोनों में समानता क्या है? वैसे ढूंढा जाए तो बहुत सारी समानता है, जैसे लेकिन दोनों की विक्ट्री से मैं बड़ा खुश हूँ। दोनों फिल्में सुपर हिट हुई थी, दोनों की विक्ट्री से मैं खुश हूँ। वी क्लास की फिल्म है। अच्छा भाई, दोनों के डायरेक्टर का नाम जो है वी से शुरू होता है। मिशन कश्मीर के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, और द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। ये बात सही है। मैं केएफसी जा रहा हूँ। केएफसी अभी मतलब ये क्या अचानक से? केएफसी मतलब खाने नहीं जा रहा हूँ, केएफसी मतलब कश्मीर फाइल सिनेमा देखने जा रहा हूँ। केएफसी में रहूंगा मैं, घर वापस नहीं आऊंगा मैं। भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में बहन भाई, और फिल्म देख रहे हैं मिलकर हर थिएटर में कश्मीर फाइल, और कश्मीर फाइल की हो रही है खूब कमाई। क्योंकि देखो यार, आफ्टर ऑल एक कलाकार होने के नाते, एक बॉलीवुड का छोटा सा कलाकार होने के नाते, मैं ये समझता हूँ द कश्मीर फाइल एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये एक अनुपम फिल्म है। अनुपम फिल्म है। इसे देखने वाले जितने भी जा रहे हैं, रब्बा खैर करे, रब्बा अनुपम खैर करे। भैया इस फिल्म ने कितने पैसे कमाए पता है? अबे 370 करोड़। 370 करोड़, ये नॉर्मल राशि नहीं है, ये मिथुन राशि है। अबे 15 करोड़ लगा के कोई 370 करोड़ कमाए, इसे कहते चक्रवर्ती ब्याज, कोई शक है? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वाह, डायरेक्टर की तारीफ करना है जरूरी है। डायरेक्टर में स्पार्क है, फायर है, आग है, इसलिए तो अग्निहोत्री है। ये बात तो है। आज पूरा देश उनके उस फिल्म के साथ में, इस तरह से उसने एक दिमाग लगा के फिल्म बनाई, विवेक से काम लिया। हाँ, विवेक से काम लिया। हाँ हाँ, और प्रोड्यूसर की बात कहूं क्या कहूं, अभिषेक अगर माल नहीं लगाता, सॉरी अगर अभिषेक अगर वाल प्रोड्यूस नहीं करता तो ये फिल्म बनती ही नहीं। कैसा लगा मेरा पीजे? पीजे मतलब, अबे पल्लवी जोशी पीजे। अभी अच्छी बात याद आ गई, 15 करोड़ लगाकर 300 तक की कमाई, 300 करोड़ तक की कमाई के लिए सोच रहा हूँ मैं फिल्म बनाऊ, और फिल्म में हीरो विवेक को लू। विवेक, अबे वो तो 300 करोड़ की फिल्म को 1500 करोड़ में लाकर छोड़ देगा। विवेक अग्निहोत्री को हीरो ले लो। आजकल न्यूज वालों ने 24 घंटे उसे दिखा दिखा के उस दड़ियल को द रियल बना दिया है। बात तो सही है, बात तो सही है। कश्मीर फाइल का जो मसला आया है क्या है, और अभी कपिल शर्मा ने जो इसको प्रमोट नहीं किया, क्या मतलब क्या है इसका? अरे कश्मीर फाइल जो फिल्म है ना यार, वो मसाला फिल्म, तुम मसाला फिल्म ना बनाओ कसम खुदा के, तुम इतना मसला बना दिया तुम लोगों ने। कपिल शर्मा ने प्रमोट क्यों नहीं किया? कपिल शर्मा ने माना कि कपिल शर्मा में पूरी बॉलीवुड की फिल्में आके प्रमोट होती है, लेकिन बॉलीवुड की ये इकलौती पहली फिल्म है द कश्मीर फाइल जिसमें कपिल शर्मा शो प्रमोट हुआ है। नहीं प्रमोट हुआ है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ क्यों नहीं प्रमोट हुआ है। हाँ तो अच्छा हुआ ना नहीं हुआ? अब देखो हर जगह पे ये बात चर्चा चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 370 करोड़ कमा रही पिक्चर, 370 करोड़ रुपए। ये बात तो सही। चले काम करो यार, इनसे भी मैं तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कपिल शर्मा को पूछ ही लेता हूँ। पूछो क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है कपिल शर्मा? कपिल शर्मा घर मा है या बाहर मा? लग गया कॉल, बाहर आउटडोर आउटडोर है।
जी कपिल पाजी, जी मैं सुनील पाल बोल रहा जी, ये बताइए कपिल पाजी, आपकी फिल्म में द कश्मीर फाइल, ये फिल्म को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? प्रमोट है जी, प्रमोट क्यों नहीं किया गया? अच्छा, इसका जवाब आपके साथी के पास है? किसके पास? ओ हो, कृष्णा के पास है। उसको फोन दीजिए, उसको फोन दीजिए। कृष्णा क्या जवाब देगा यार? देगा यार, क्या देगा? कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, भाई जब से भाई ना भाई, हाँ फीमेल जब से बनाया भाई बोले, भाई बोलो, भाई बोलो। कृष्णा भाई, द कपिल शर्मा शो का एक जबरदस्त हिस्सा होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि द कपिल शर्मा शो में द कश्मीर फाइल ये फिल्म प्रमोट क्यों नहीं की गई? सबका मसला है, द कश्मीर फाइल ये फिल्म आपके शो में प्रमोट क्यों नहीं की गई? सही है। कमाल यार, पहले लोग कहते थे औरतें हंसा नहीं सकती, अब इसने तो साबित कर दिया कि सिर्फ औरतें ही हंसाती है। क्यों भाई, क्या हो? मतलब औरतों का गेटअप करने वाले भी भाई, समझ नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने पूछा द कश्मीर फाइल प्रमोट क्यों नहीं की, पूरे देश का मसला है। बोले भाई मेरा मसला कश्मीर नहीं है, कश्मीरा है। रिश्ते में हम उसके पति लगते हैं, नाम है कश्मीरा शाह। भैया देखो ऐसा है, कपिल शर्मा बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा एंकर है, लेकिन प्रमोशन का जो कॉल है वो चैनल लेता है और चैनल प्रमोशन के लिए बहुत कुछ देता है, तभी वो प्रमोशन देता है। इसलिए खामखा नेता ना बनो, नेता और देता बनो। जय हिंद। भैया जिंदगी जो है वो अब कश्मीर हो गई है। क्या हो, कैसे? भैया ऐसा है कि तुम्हें तो पता है मेरा ससुराल कश्मीर से है। हाँ हाँ हाँ, कश्मीर से आपका ससुराल। तो शादी हुई थी मेरी, हाँ वहां की कन्याकुमारी से। हम सब थे ना साथ में। अरे इसने तो शिकारा भी इतना शिकार किया है, मछली होगा भैया की तो भाई, मछली होगा। और इसने कश्मीरी सेब बहुत खाए, वहां से मिला है। तो कश्मीर को देख के तो लगता है भैया अगर कहीं जन्नत है तो यही है, हम ही नस्ते धरती का स्वर्ग है कश्मीर। यस यस, ये किसी शायर ने बड़ी तारीफ में कहा था। लेकिन कश्मीरी ससुराल की वजह से मेरे जीवन में थोड़ा सा कश्मीरी, मेरा जीवन जो कश्मीरी पुलाव हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए 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 प्लीज। भाभी तुम्हारी जो है कश्मीरी है। हाँ, लेकिन इन दिनों मेरी साली और सासू माँ भी कश्मीर से बॉम्बे आई हुई है। अच्छा, क्या अब मेरा घर जो है पूरा स्वर्ग ही स्वर्ग हो गया, कश्मीरी स्वर्ग हो गया है। क्योंकि साली जो है वो कन्याकुमारी है, यानी कश्मीर की कली है। उसको देख के मैं शम्मी कपूर। क्या बात है। देखिए आपकी भाभी, जैसे ही मैं कश्मीर की कली को देखता हूँ वो मिशन कश्मीर हो जाती है। ओह सही है, सही है। ऐसा क्यों? अरे कश्मीर की कली को देखो तो प्रॉब्लम होगा ना। लेकिन मेरी सास उनसे तीन कदम और आगे। अच्छा, जब भी मैं साली को देखता हूँ और बीवी को डांटता हूँ, सास द कश्मीर फाइल हो जाती है, मन जाती द कश्मीर फाइल, छीन लेती मेरी हस्ती, खेलती स्माइल। अब इन तीनों की वजह से नो डाउट, वो सुन रही होगी, देख रही होगी, नो डाउट मेरा घर स्वर्ग हो गया है। कैसे? लेकिन स्वर्ग से क्योंकि मैं अपने आप को स्वर्गवासी क्यों? अरे ऐसा मत कहो भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तुम्हारे पास 370 रुपए है? 370 नहीं है, 370 दो। मैं जरा किसी शांत जगह पर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा छुट्टी उट्टी बनाने के लिए। अच्छा, 370 मेरे घर पे बताना तुम लोग, देखो स्वर्गवासी हो जाओगे। नहीं आऊंगा, ये लो थोड़ा सा गिफ्ट रख लो, मच्छर के साले मारने का।